हेलो एवरीवन, अगर घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनकी यूनिफॉर्म पर इंक के निशान लग जाते हैं, या फिर कई बार कोई पेन ही लीक कर जाता है। और आजकल ज़्यादातर जेल पेन यूज़ किया जाता है और जेल पेन के निशान यूनिफॉर्म पर लग जाते हैं। तो आप शर्ट पर देख सकते हैं कि शर्ट की पॉकेट पर ब्लू जेल पेन और ब्लैक जेल पेन के निशान हैं, और ये पुराने दाग हैं। इनको मैं नॉर्मल वॉश से 2 बार धो चुकी हूँ, लेकिन ये निशान ज्यों के त्यों हैं। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इफेक्टिव है। कपड़ों से जेल पेन की इंक के स्टेन रिमूव करने के लिए हम बहुत ही आसान तरीका अपनाएंगे। तो इसके लिए हमें कोई खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, घर के ही मौजूद सामान से हम इसे साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम टूथपेस्ट लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कोलगेट टूथपेस्ट है, आप कोई भी वाइट कलर का टूथपेस्ट ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी इंक का निशान है तो वहाँ पर हम कपड़े के दोनों तरफ टूथपेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉकेट के अंदर भी मैं जहाँ पर निशान है वहाँ पर टूथपेस्ट लगा दूंगी, उसको अच्छे से कवर कर देंगे। इससे पहले मैंने कपड़ों पर घी तेल के दाग के निशान हटाने का भी एक वीडियो शेयर किया था, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो अभी हम निशान के ऊपर भी सीधी साइड भी लगा देंगे और उल्टी साइड भी दोनों तरफ हम टूथपेस्ट लगा कर रख देंगे। इस तरह से अच्छे से कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह सूखने के लिए रखेंगे। तो अभी टूथपेस्ट सूख चुका है, तो कोई भी पुराना यूज्ड टूथब्रश लेंगे और उसको थोड़ा सा पानी लगाकर हम उस जगह पर रब करेंगे जहां पर हमने पेस्ट लगाया है। तो इस तरह से अगर आपकी किसी शर्ट पर या किसी ड्रेस पर जेल पेन की इंक के स्टेन है तो आप इसी तरह से साफ कर सकते हैं, निशान पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो जिस तरह से हमने कपड़े के दोनों तरफ टूथपेस्ट लगाया है उसी तरह से हमने दोनों तरफ से रब करना है। तो मैं पॉकेट के अंदर की तरफ से भी टूथब्रश से रब करूंगी। तो भी आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर सा निकल रहा है। टूथब्रश से रब करने के बाद हम कपड़े को धो लेंगे और टूथपेस्ट को निकाल देंगे, और फिर कपड़े धोने वाले साबुन को हम निशान के ऊपर रब करेंगे। तो आप जो भी कपड़े धोने के लिए साबुन यूज करते हैं वो ले सकते हैं। तो निशान के दोनों तरफ हम लगाएंगे, तो मैं पॉकेट के अंदर भी साबुन लगा दूंगी। अगर निशान पुराना है तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, लेकिन निशान जरूर उतरेगा। तो अब हम इसको रब करेंगे। तो निशान वाली जगह पर जहां पर हमने साबुन लगाया है उसको अच्छे से रब कर देंगे। तो मैंने पॉकेट के अंदर और बाहर से दोनों तरफ से रब किया है। दोनों तरफ से रब करने के बाद हम कपड़े को धो लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि पॉकेट से स्टेन रिमूव हो चुका है, सारी इंक निकल चुकी है। और शर्ट पहले की तरह साफ हो गई है। पॉकेट के अंदर भी इंक का निशान खत्म हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मोनिकास DIY को सब्सक्राइब जरूर करें।